मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है आत्मन। तो खाने को लेके मतलब मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं इतना कभी कॉन्शियस नहीं हुआ था। तो आत्मन ने मुझे बताया कि खाने का है ना अलग अलग टेक्सचर होता है, जैसे कि ये मुलायम है, नाजुक है, ये थोड़ा सा फोमदार है, तो ये अलग अलग टेक्सचर है। कोई चीज जूसी होती है, कोई चीज सख्त होती है, क्रिस्पी होती है। तो जितने अलग अलग टेक्सचर्स हम मिक्स करते हैं ना, उतना बढ़िया हमें स्वाद आता है। शायद ये फूड साइंस में भी पढ़ाया जाता है लोगों को। तो अभी मैं इन लोगों को बता रहा था कि मैं ये खा रहा हूँ, तो उनने बोला कि तुम ये दो अलग अलग चीजें खा रहा हूँ। मैं पहले पिज्जा और पास्ता साथ में खा रहा था, उसके बाद ये खा रहा हूँ। तो मैंने इनको बताया ये बहुत दो अलग अलग टेक्सचर है, इनके साथ ऐसे मजा आता है मिक्स करने से। जैसे म्यूजिक के अलग अलग नोट्स होते हैं ना सारे गामा, लेकिन उसमें कुछ भी मिक्स नहीं कर सकते। जैसे सारे गामा किसी भी सीक्वेंस में अड़बड़ बड़बड़ नहीं कर सकते हैं, उसका भी एक शऊर होता है ना। म्यूजिक का एक म्यूजिक कॉम्पोजिशन एक अलग विधा है, वैसे ही फूड कॉम्पोजिशन भी एक अलग विधा है। और मुझे लगता है मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ ये। जब ये ज्ञान दे रहा था ये वाला, तब मैं अपनी तमाम जिंदगी संकट मोचन संगीत समारोह को अटेंड करने वाले सिद्धार्थ मोहन की शक्ल देख रहा था जब म्यूजिक पे याद आ रहा था। बताइए सर, पता नहीं कहाँ से खाने को और संगीत को बढ़ा दिया। जोर से संगीत क्या खाया? मैंने एक डिश है ब्रुसेटा, उसका नाम है। तो स्पेल करना हो तो आपको BRUSSETTA ब्रुसेटा, शे शे से शेर, टा तो नहीं है, ब्रुसेटा टा टा से टमाटर नहीं, टा 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 नहीं, टा टा है, टा है टमाटर पक्का। हाँ टक्कर वाला टा है, टमाटर वाला टा नहीं है। ठीक है मान लिया, अरे मान लिया भैया, ले जाओ वो खाए। और एक ये सलाद है जिसको कहते हैं इजरायली सैलेड, मिल बांट के खाया है हमने। और इसमें सलाद एक नॉर्मल सलाद होता है जिसमें सब्जियां कटी होती हैं, इसमें दो तीन चीजें ज्यादा है, जैसे इसमें ऑलिव्स हैं और ऑलिव सॉस है, ऑलिव का बना हुआ सॉस और नींबू थोड़ा सा, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ये जरूर खाना चाहिए। मेरी एक चिंता इस व्लॉग को शुरू होने से लेकर कि ये पीछे बज रहा संगीत कॉपीराइट फ्री है कि नहीं। हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। हाँ हम मोनेटाइज नहीं करेंगे और पकड़े गए करेंगे, मुझसे भारी गलती हो गई। ये ऑलिव का जिक्र कर रहे थे, मुझे ऑलिव बहुत पसंद है और मेरा इरादा है कि मैं जिंदगी में एक दफ़ा इज़राइल ज़रूर घूमने जाऊँ। उसकी एक व्यक्तिगत वजह भी है, मेरी जो पत्नी है उन्होंने अपनी हायर स्टडीज इज़राइल में की, तो इज़राइल की मिलिट्री स्टडीज़ पे उनकी उनकी थीसिस है। तो हम जाएंगे कभी इज़राइल, और क्योंकि इज़राइली खाना भी मुझे बहुत पसंद है कि हुम्मस भी रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अभी इन्होंने ऑलिव का जिक्र किया तो मुझे इज़राइल याद आ गया। आई लव ऑलिव। ऑलिव नाम से एक बड़ा दिलचस्प रेस्टोरेंट भी हुआ करता था दिल्ली में। और बात आयुष जी के ज्ञान से शुरू हुई थी, तो आयुष जी पे ही खत्म किया था। बाकी काम तो गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, ये बुद्धा कैफे, क्या नाम है, लिटिल बुद्धा कैफे है। और तस्वीर पे मेन्यू की एक बुद्धा बने हैं मुस्कुराते हुए, मुस्कान देंगे। हमें लगा कि एक दिन लटाई को मिले मुस्कान वैसी होगी। तो है कह रहे हैं कि हमारी तो है गीत चतुर्वेदी की, वो क्या लाइन है, क्या लाइन है, मतलब लाइन भी हम याद रखते हैं। तुमसे मुखड़ा सुनाओगे अंतरा हर बार हम सुनाएंगे। चलो घी चतुर्वेदी की वो क्या लाइन है, भैया ने हमको पगार पे रखा है कि भैया, अरे वो दोस्तोवस्की ने क्या कहा था, अरे वो ग्रामसी ने डायरी में क्या लिखा था, है? अरे भैया वो एंजेला की है, माया इन लोग क्या लाइन है, अरे वो मार्केज ने क्या टिप्पणी की थी, लाइन पे लाइन करने वाले, अरे भैया वो भावभूति क्या बोले थे, है? अरे भैया वो तिरुवल्लुवर क्या बोले थे, क्यों गुरु, हाँ बताइए जी चतुर्वेदी की क्या पंक्ति। अभी मैं चाहता तो तेरे हाँ हाँ देखो काउंटर आ रहा है, काउंटर आ रहा है। अभी मैं चाहता तो गूगल सर्च करके देख सकता था इतनी देर में ये ज्ञान दे रहे थे, लेकिन सर ने परसों ही सिखाया ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में। तो वो पंक्ति तो बता दो, प्रेम में डूबी स्त्री का चेहरा बुद्ध जैसा दिखता है, मुझे बुद्ध जैसा उनको
पंक्ति वैसी है, प्रेम में डूबी स्त्री का चेहरा बुद्ध जैसा दिखा। अरे मेरी लेकिन आपत्ति है, इसमें आपत्ति, पहली आपत्ति तो ये है, कविता तो अद्भुत है और मैं गीत चतुर्वेदी की कविताओं का फैन हूँ, उनके अनुवाद का भी मैं बहुत फैन हूँ। हालांकि इस पे दांत अड़ी बाजी करेंगे, बनारस के हैं, बिना अड़ी के इनका काम चलता है। पर ये एक पुरुष का वाक्य है ना, ये जेंडर निरपेक्ष नहीं है ये बयान। प्रेम में डूबे स्त्री का चेहरा वो जैसा लगता है, प्रेम में डूबे पुरुष का चेहरा भी वो जैसा हो सकता है, यही है लगभग ऐसी। पर फिर इसमें एक चीज और आती है, अगर हम इसके इस तरह के छिद्रान्वेषण में जाएंगे तो आदमी को हमेशा जेंडर निरपेक्ष होता। ये भी है ना, आपकी बात सही भी है इसमें, लेकिन होता ये भी है कि आप एक पुरुष एक स्त्री के रूप को, स्त्री के प्रेम को एक डिसाइसिव फैक्टर की तरह बांध रहा है। और फिर इस छिद्रान्वेषण में या इस ऑपरेशन में उतरेंगे हम लोग, इस डाइसेक्शन में उतरेंगे, तो मेरे ख्याल से कविता की आलोचना का, आपको भी पता होगा, कविता की आलोचना का रास्ता यहीं से निकलता है। धीमे धीमे छोटे छोटे पॉइंट्स को आप मिलते हैं, दूसरी चीजें आती हैं, नई चीजें, नई कविताएं आती हैं, काउंटर आर्गुमेंट्स आते हैं। मतलब साहित्य का जो ग्रंथा पूरा ग्रंथ है, पूरा ग्रंथागार वो इसी से निर्मित होता है ना, इन आर्गुमेंट से, इन काउंटर आर्गुमेंट से ही निर्मित होता है मुझे लगता है। अरे लटाकू वालों, तुम लोगों को पता है सिद्धांत जी कविताएं रचते हैं? हां सुनी है तुम लोगों ने? नहीं सुनी नहीं है। गाना सुना सिद्धांत सर का? गाना भी गाते हो तुम? बहुत बढ़िया गजल गाते हैं ये। अगर अभी ये सब हल्ला ना हो रहा होता तो आज रात के माइक देते हमको, यहीं पे गाते ना, हल्ला ना हो रहा था तो। क्लासिकल गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं कि सेमी क्लासिकल गाते हैं? वैसे सिद्धांत को देख के लगता है कि ये उमक चलत रामचंद्र को ठुमरी के अंदाज में गाते होंगे, ऐसा कुछ है क्या? मेरे बारे में बहुत कम लोगों को पता होगी, क्या दिल में आता हूँ? नहीं नहीं, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मैंने ली है गुरु शिष्य परंपरा वाले में। अरे वाह, वो मतलब वो संकट मोचन संगीत समारोह और बनारस के संगीत, तो मतलब मैंने मतलब रहा उस पूरे माहौल में लंबे समय तक, 15-18 साल लगभग सीखा है। 18 साल सीखा है लगभग। भाइयों और बहनों, ये बड़ा खुलासा है, इस पर आज रात के ब्लॉग में विस्तार से चर्चा होगी। इस खुशी में मैं एक पिज्जा की अतिरिक्त स्लाइस खा रहा हूँ। महीने दो महीने में एक दफा मैं इस तरह के कर्म करता हूँ, और इस खुशी के मुबारक मौके पर अब मुझे लग रहा है कि मैं खुद को छूट देने की गुंजाइश और बढ़ा के एक कॉफी भी ऑर्डर कर सकता हूँ। दो दो तुमको दो लाना, दो लाना है जो लाना दो लाना, दो हमारी दो, हम दो हमारी दो, कितना चीखी, इतना खर्चा हो गया तो एक और मंगवा लेते हैं। ऐसे ही हूँ मैं, रियल लाइफ में ऐसे ही हूँ। कैसे हो? मैं डसू हूँ, मतलब सीखता हूँ डसना मुझे पसंद है। मतलब जो लोग डसते हैं मैं चेहरे पे उनको ऐसे करता हूँ, अरे यार, लेकिन अंदर अंदर लगता है क्या भाई, क्या डसा है। तो जैसे ग्रीन टी शुरू में लगती ना कि ये, लेकिन बाद में लगती है, वैसे ही मुझे बाहर के साथ ही है। नहीं तो उसका शऊर है, जहर का ग्रीन टी का शऊर है। चूंकि आप फैले हैं तो फिर बता दीजिए कि जहर का शऊर क्या है। ये प्रेरणा जी, दर्पण जी और वरुण जी बता पाएंगे। ये शर्मा, हाँ वरुण शर्मा एडिटिंग वाले, ये हमारे यहाँ की जहर डेस्क है। जैसे एक साइंस डेस्क है, एक पॉलिटिकल डेस्क है, एक एडिट डेस्क है, चंद्रयान डेस्क हुआ करती थी, एक समय चंद्रयान डेस्क हुआ करती थी। तो एक जहर डेस्क, रानू मंडल डेस्क, रानुमंडल ब्यूरो चीफ हमारी लालिमा जी, और बस खत्म करें, बस खत्म कर सकते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, आज रात सिद्धांत मोहन का शास्त्रीय गायन क्यों नहीं, थैंक यू। कोई वादा नहीं पक्का, कोई पक्का वादा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, पक्का वादा नहीं। साइनिंग ऑफ, देखिए पहाड़ का बादल है। ये क्या ये वो देखो त्रिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सिद्धांत, चूंकि आप कवि मन के व्यक्ति हैं, वो कौन सा व्यक्ति रहा होगा जिसने पहली दफा वादे के आगे पक्का जोड़ा होगा? वो आखिरी आदमी कौन सा रहा होगा जिसने वादे को वादे की तरह निभाया होगा और फिर एक रोज वो चूक गया होगा? और सच्चा पक्का सच्चा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे जैसे आप फर्ज करिए आप एक बाजार में दाखिल हो, लोग तंग दिल ना हो, गलियां तंग हो सकती हैं, और वहां पे लिखा हो देसी घी की दुकान,
उसके बगल में एक दुकान खुली हो जिस पर लिखा हो शुद्ध देसी घी की दुकान, उसके बगल में एक दुकान खुली हो जहाँ पर लिखा हो बिल्कुल असली देसी घी की शुद्ध दुकान, उसके बगल में हो 100% शुद्ध दुकान, आकर जांच ले। उसका एक और पैमाना, एक और पैमाना है, पांचवी दुकान, चलिए पांचवी दुकान, 100 साल पुरानी दुकान, और फिर उसके बगल में 100 साल पुरानी दुकान है ना। तो ये पूछा जाना चाहिए कि भैया घी तो शुद्ध ही होना चाहिए, तो उसके आगे शुद्ध लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो बदमाशियों का सिलसिला जब शुरू होता है तभी उसको दबोच लेने की जरूरत होती है। जैसे आज हमको पता चल गया है कि सिद्धांत शास्त्रीय संगीत में निष्णात है, तो आज इनको दबोच लिया जाएगा वाचिक दृष्टि से। आप देखते रहिए ललन टॉप यूपी।